मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट का है लेसन वन, क्लास टेन का है। और आज का जो लेसन का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो इसमें जो टॉपिक जो मेन मेन पॉइंट्स जो है द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल सेकेंड में है, और स्वदेशी मूवमेंट, कंसिक्वेंसेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, नेशनल लिटरेचर, नेशनल एजुकेशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट, राइट्स ऑफ नेशनल इंडस्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, नेक्स्ट स्वदेशी मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंटी मूवमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो इंट्रोडक्शन जो है आज का, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। दिस पार्टीशन व्हिच अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कार्जन 1899 से लेके 1905 तक हुआ था, इज ए हिस्टोरिक इवेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो लेसन का जो इंट्रोडक्शन जो दिया है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस का आगे में स्टूडेंट ब्रिटिश जो रूल किया था इंडिया में, वही का बात था। द क्रिएशन ऑफ टू स्टेट्स बाय डिवाइडिंग द वास्ट बंगाल प्रोविंस स्टियर्ड ए नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन होल इंडिया। तो ये इंडिया के ऊपर उस समय ब्रिटिश का जो रूल चलाया था, पूरे होल इंडिया में ब्रिटिश ने रूल किया था। This event is known as the second important political upheaval in India after the Sepoy Mutiny in 1857. जो Sepoy Mutiny जो हुआ था in 1857 में, तो इसका next हुआ था ये, ये second important political upheaval in India. Second time शुरू था। In the last part of the 19th century, and in the beginning of the 20th century, the national movement became very strong in the Bengal province. तो ये जो 19th century का last part था और 20th century का first part है, इसमें क्या हुआ था, Bengal में बहुत बड़ा means ये जो movement जो है बहुत strong हुआ था। This consciousness and uprising among the people put the British government in a dilemma and to suppress this national uprising, Lord Curzon created a new province named Eastern Bengal and Assam by adjoining East Bengal to Assam. तो उस समय ब्रिटिश का अंदर में इंडिया टोटली था, और उस समय कौन रूल करता था, लॉर्ड कार्जन इंडिया में गवर्नर होके इंडिया को रूल करता था। On the other hand, by keeping the remaining vast parts of Bengal with Bihar and Orissa as before, another province was continued as West Bengal. अभी का जो West Bengal एक state है, after independence India में बहुत सारे जो state जो है, लेकिन उस समय India में state नहीं था। West Bengal क्या था उस समय, ब्रिटिश से फर्स्ट आके उधर में जो एस्टाब्लिश हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके ब्रिटिश क्या करा, ये लोग का कच्चर में रखने के लिए वेस्ट बंगाल को डिवाइड करना चाहता था। तो एक तरफ क्या हुआ, ईस्ट बंगाल टू आसाम, और दूसरा तरफ क्या था, ईस्ट बंगाल के साथ बिहार एंड उड़ीसा को जोड़ने के लिए कोशिश किया था। क्योंकि आज एट प्रेजेंट क्या हुआ, बिहार भी एक स्टेट है, उड़ीसा भी एक स्टेट है, और वेस्ट बंगाल भी एक बहुत बड़ा स्टेट है। The whole country stood united on the protest to this partition. लेकिन पूरे इंडिया का लोग क्या क्या था उस समय, ब्रिटिश का जो ये डिवाइड पॉलिसी जो है, इसका अगेंस्ट में सब एक साथ मिलके ब्रिटिश के ये रूल को हटाने के लिए कोशिश किया था। It created a new era in the uprising of national sentiment in every India. तो उस समय इंडिया के लोगों, भारत के जितना जो लोग है, उस समय सबका मन में ये डिफाइड रूल पॉलिसी जो है, इसका अगेंस्ट में फाइट करने के लिए सोच लिया था। इन रियलिटी द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट एक्टिव नेशनल स्ट्रगल इन ऑल इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है, द
बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या है वही हम लोग को अभी जानना चाहिए, क्यों पार्टीशन करना चाहिए स्टूडेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 एंड अपग्रेडेड द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी टू द लेवल ऑफ गवर्नर जनरल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, 1773 में हुआ था, और इसको और भी अपग्रेड करने के लिए एलोफी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी टू द लेवल ऑफ गवर्नर जनरल का अंदर में लेने के लिए कोशिश किया था। बाय दिस इंट्रोडक्शन द टू गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। तो उस समय का गवर्नर कौन था, उधर का फोर्ट विलियम था, लेकिन उसका अंदर में फिर बॉम्बे और मद्रास को भी लाने के लिए कोशिश किया था। सिंस द एरिया अंडर द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम हैड बिकम वास्ट, लेकिन फोर्ट विलियम जब बॉम्बे और मद्रास को लेके आया तो उसका एरिया क्या हुआ, और भी ज्यादा बड़ा हो गया। द गवर्निंग ऑफ बंगाल प्रोविंस वॉज गिवन टू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। Again, it had not been possible to continue good governance in the Bengal province by just one lieutenant governor, as this province covered a vast area of north and east India. So, उधर का जो ये है गवर्नर जो है बंगाल का प्रोविंस ये सब लेके क्या हुआ फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर as this province covered a vast area of north and east तक धीरे धीरे करके स्प्रेड होके आ गया। आफ्टर द सिपुई बुटिनी इन 1857 द ब्रिटिश टुक स्टेप्स टू रिफॉर्म द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस। जब 1857 में ऑल ओवर जो सिपुई बुटिनी जो हुआ था उसके बाद फिर क्या किया ब्रिटिश ने, फिर इंडिया का अपना से एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए फिर एक पॉलिसी बनाया, फिर क्या इंक्लूड किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, मीन स्ट्रॉन्ग जो हुआ था उसको फिर डिवाइड करके उसको वीक करने के लिए फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल टू लेके आए। आफ्टर द डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया द डिसीजन वॉज टेकन टू डिसजॉइंट ए वास्ट एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया फ्रॉम बंगाल। कीपिंग दिस व्यू इन माइंड ऑन 7 फेब्रुआरी 1874 The state of Assam was created by including 6 districts from Brahmaputra Valley, Gwalpara, Kamrup, Nagaon, Darang, Lakhimpur and Sivasagar. So, 7 February 1874 के समय असम को फिर क्या किया सात छो डिस्ट्रिक्ट में फिर बनाया गवालपाड़ा कामरूप नौगांव दरंग लखीमपुर एंड सिवसागर विथ खासी जयंतिया हिल्स नागा पहाड़ गारो पहाड़ कासर एंड श्रीहत्ता टोटल एरिया सब मिला के कितना हुआ 54,100 स्क्वायर माइल। पॉपुलेशन कितना हुआ था उस समय 41,50,000 क्योंकि खासी जयंतिया नागा पहाड़ गारो पहाड़ कासर एंड श्रीहत्ता ये सब मिला के पॉपुलेशन कितना था उस समय में 41,50,000 था और इसका एरिया कितना था 54,100 स्क्वायर माइल। द पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर वॉज क्रिएटेड फॉर दिस न्यू स्टेट एंड कॉलोनल आर एस कीटिंग्स वॉज गिवन द चार्ज ऑफ द स्टेट। उस समय क्या हुआ चीफ कमिश्नर से क्या क्या ये जो नया नया जो डिस्ट्रिक्ट जो है ये सबको फिर बनाया था और कॉलोनल आर एस कीटिंग को चार्ज दिया था। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस इट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो चीफ कमिश्नर को देने के बाद चार्ज देने के बाद ये क्या हुआ था ये हिस्ट्री का सबसे पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल लेने का जो स्टेप लिया था। इन द प्रोसेस ऑफ दिस पार्टीशन टू ब्रिटिश ऑफिसर्स हेल्प लॉर्ड कार्जन। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का रूल जो बनाया था उस समय दो ब्रिटिश ऑफिसर से लॉर्ड कार्जन को हेल्प किया था। वन वॉज एंड्रयू फ्रेजर द देन चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो उस समय एक था एंड्रयू फ्रेजर उस समय का
मध्य प्रदेश का वो चीफ कमिश्नर था, और दूसरा क्या है, द अदर वॉज जे बमफिल दे फुलर द चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम। तो उस समय आसाम का था एक। तो इन 1901 एडी फ्रॉजुल गिव प्रपोजल टू लॉर्ड कार्जन टू चेंज द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड बंगाल। तो उस समय 1901 में फिर क्या क्या फ्रेजर प्रपोजल दिया था लॉर्ड कार्जन को, जो मध्य प्रदेश और बंगाल का जियोग्राफिकल बाउंड्री को टोटली थोड़ा मॉडिफाई करना है। फ्रेजर मेंशन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल व्हिच वाज 7.8 करोड़ एट दैट टाइम एंड ही प्रपोज टू डिसजॉइन ओडिशा एंड संबलपुर फ्रॉम बंगाल एंड टू एनेक्स टू मध्य प्रदेश। तो फ्रेजर से क्या प्लान किया था, उस समय बंगाल का पॉपुलेशन 7.8 करोड़ था, तो उसने फिर डिसजॉइन ओडिशा और संबलपुर से उसको डिसजॉइन मींस हटा के फिर कहाँ के साथ ज्वाइन करना था, टू एनेक्स टू मध्य प्रदेश। एट द सेम टाइम फुलर ऑल्सो प्रपोज टू एनेक्स सत्यग्राम टू आसाम विथ ए व्यू टू एक्सपांडिंग द टी बिजनेस। तो एट प्रेजेंट सत्यग्राम कहाँ में है, एट प्रेजेंट बांग्लादेश में, लेकिन उस समय इंडियन का इतना जो वास्ट एरिया जो था, उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया मिलके एक साथ क्या हुआ था, एक ही कंट्री था इंडिया। तो अभी धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस के बाद मींस बांग्लादेश भी सेपरेट हो गया, पाकिस्तान भी इंडिया के जैसा समान में ब्रिटिश से लोग को इंडिपेंडेंट कंट्री मिल गया उस समय, लेकिन चट्टग्राम जो है वो आसाम का साइड में था, क्योंकि आसाम का नाइबरिंग कंट्री जो है वो बांग्लादेश था, इसलिए सत्यग्राम तक एक्सपांडिंग द टी बिजनेस। तो ब्रिटिश का क्या पॉलिसी था, जो आसाम का जो टी गार्डन जो है उसको ऊपर क्या हो गया और भी नजर लग गया। लॉर्ड कार्जन स्टडी टू प्रपोजल्स ऑफ देव एंड फाइंडिंग इट प्रैग्मैटिक ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू इम्प्लीमेंट दिस। तो लॉर्ड कार्जन से क्या किया, लॉर्ड कार्जन ने अच्छी तरह से उसको डिस्कस किया था और प्रपोजल को अच्छी तरह से सोच के उसने फिर एक्सेप्ट करने के लिए वो मान लिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। When Andrew Fraser was appointed as Lieutenant Governor of Bengal in 1903, Viceroy Lord Curzon directed him to make a plan for re-demarcation of the boundary of the province. तो उस समय 1903 में Lieutenant Governor कौन था बंगाल का, Andrew Fraser था, और उस समय Lord Curzon से फिर order दिया था फिर boundary को फिर और एक बार अच्छा से देखभाल करने के लिए, और अच्छा से देखभाल करो और उसको फिर क्या करना है वो नहीं करना है वो सब जानने के लिए कोशिश किया था। देन एंड्रयू फ्रेजर मेड अ स्लाइट चेंज इन द प्रीवियस सजेशंस ऑफ विलियम ई वार्ड एंड मेड ए प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तब क्या हुआ था, एंड्रयू फ्रेजर से फिर थोड़ा सा चेंज करके विलियम ई वार्ड का जो आगे में जो प्रपोजल दिया था बाउंड्री को थोड़ा बढ़ाने के लिए, तो उसको फिर थोड़ा सा चेंज करके फिर उसने प्लान बनाया बंगाल को डिवाइड करने के लिए। ही सबमिटेड हिज प्लान टू लॉर्ड कार्जन ऑन 20 मार्च 1903। ही सजेस्टेड टू एनेक्स ढाका सत्यग्राम एंड राजशाही टोटल एरिया ऑफ 15 डिस्ट्रिक्ट टू नाइबरिंग स्टेट ऑफ आसाम। तो उस समय क्या है, आसाम का जो पास में जो है ढाका सत्यग्राम एंड राजशाही, इसका सब मिला के कितना हुआ था, 15 डिस्ट्रिक्ट जो है ये सब मिला के फिर क्या किया था बंगाल के साथ जोड़ने के लिए कोशिश किया था। ऑन 1 जून 1903 वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन प्रिपेयर्ड ए डिटेल्ड प्रपोजल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय डिस्कसिंग विद हार्बर्ट रिसले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस समय फिर लॉर्ड कार्जन से जब अच्छा से देखभाल करने के बाद जो प्रपोजल जो दिया था कागज में प्रपोज जो किया था उसको फिर किसके पास दिया था डिस्कस करने के लिए, उस समय का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सेक्रेटरी था, रिसले को था, रिसले हार्डबार रिसले के पास दे दिया था, सबमिट किया। दिस प्रपोजल वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मिनट ऑन टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो हार्डबार रिसले के पास जब
प्रपोजल गया था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोजल टू एक्सेप्ट कर लिया, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसको रीऑर्गेनाइज, फिर नया करके फिर उसका नाम रखा था द मिनट ऑन टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया को फिर अलग अलग करके पार्टीशन करके मॉडिफाई करना। सिंस दिस प्रपोजल वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय हर्बर्ट रिसली द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन 6 दिसंबर 1903, इट वॉज नोन एज रिसले पेपर्स। तो उस समय क्या क्या हर्बर्ट रिसली ने जब ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, ये जो अभी जो प्रपोजल जो सबमिट किया था एक्सेप्ट हो गया, और कब हुआ था ये 6 दिसंबर 1903 में उसको एक्सेप्ट किया था, और उस दिन से अभी तक वो पेपर को क्या मालूम है, रिसले पेपर से हम लोग को जानता। द प्रोसेस ऑफ बाइफर्केशन ऑफ बंगाल एंड टू एनेक्स वन पार्ट ऑफ इट इनटू असम इज हिस्टोरिकली नोन एज द हिस्टोरिकल पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो प्रोसेस जो है बंगाल को डिवाइड करके जो असम के साथ फिर जोड़ना है, ये सबको क्या मालूम हो अभी, हिस्टोरिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल बोल के हम लोग को अभी तक मालूम। नेक्स्ट क्या देखो, इट वॉज सेड दैट द फर्स्ट बंगाल प्रोविंस कुड नॉट बी रूल्ड स्मूथली अंडर ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड अकॉर्डिंगली द प्लान वॉज टेकन टू क्रिएट ए प्रोविंस नेम ईस्टर्न बंगाल एंड असम। बंगाल तो बहुत बड़ा एरिया है, तो बहुत बड़ा इतना जो बड़ा एरिया जी उसको स्मूथली रन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए फिर उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर से फिर एक तो प्लान बनाया। क्या बनाया देखो, ईस्टर्न बंगाल उसको आसाम के साथ जोड़ना है बाय एनेक्सिंग 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट बंगाल टू आसाम। ऑन द अदर हैंड द बंगाल प्रोविंस वॉज टू बी कंटिन्यूड with the remaining western parts of the province and by annexing Bihar, Odisha and Chotanagpur. तो 15 district के साथ किस तरफ north तरफ में join करना है और east side में किसके साथ join करना है, Assam के साथ join करना है। तो Bengal province was to be continued with the remaining western parts of the province and by annexing Bihar, Odisha and Chotanagpur, Dhaka, ये सब लेके फिर क्या बनाया देखो तो was to be capital of the proposed eastern Bengal and Assam. To fee Bihar, Odisha and Chotanagpur, Dhaka, at present Dhaka, Bangladesh ka capital hai, ye sab jod ke fee kya banaya dekho, capital of the proposed eastern Bengal and Assam ko fee capital banaya. And this proposed state had a population of around 3 crores and 10 lakhs. तो उस समय का जो स्टेट का कितना पॉपुलेशन था, 3 करोड़ और 10 लाख था। अमंग दिस मुस्लिम पॉपुलेशन वाज 1.8 करोड़ एंड हिंदू से यार 1.2 करोड़। तो उस समय हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम का कम्युनिटी कितना है 1.8 करोड़ और हिंदू का कितना है 1.2 करोड़। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरफ फिर क्या है देखो, कैलकाटा वाज बी द कैपिटल of the proposed Bengal province and it had a population of around 5.4 crores. तो उस समय देखो कैलकाटा क्या है, अभी तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कैलकाटा है, उस समय भी ये कैपिटल था बंगाल का, तो उधर का पॉपुलेशन कितना था उस समय 5.4 crores. Among these Hindus were 4.2 crores and Muslim were just 90,000. एक तरफ तो हो गया मुस्लिम का कम्युनिटी 1.8 करोड़ और हिंदूज का कम्युनिटी 1.2 करोड़, और अभी कलकत्ता फिर कैपिटल में आ गया इस बंगाल प्रोविंस में, तो यहाँ का पॉपुलेशन फिर कितना है, हिंदूज का है 4.2 करोड़ और मुस्लिम का कितना है ओनली 90,000. बट इन कंपटीशन टू द पीपल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा द बंगालीज वर अ माइनॉरिटी. तो उस समय बंगालीज मीन्स बंगाल के लोग जो है बिहार और उड़ीसा के साथ जो जोड़ के जो डिवाइड किया था, ये लोग के साथ बिहार और उड़ीसा के लोगों के साथ कंपेयर करने से उस समय बंगाली लोग क्या हुआ, माइनॉरिटीज में चला गया। दो लॉर्ड कार्जन प्रपोज टू मेक द टेरिटरी ऑफ बंगाल स्मॉलर एंड द टेरिटरी ऑफ आसाम बिगर फॉर ए स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, द हाइडन एजेंडा बिहाइंड इट ऑल्सो केम ऑन द सरफेस. लेकिन लॉर्ड कार्जन से क्या चाहा, बंगाल को कम करना है और असम को थोड़ा ज्यादा बड़ा करना है, क्योंकि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, स्मूथ रूल करने के लिए.
because the unity between Hindu and Muslim farmers and laborers was a threat for the British. They planned to break the unity by divisions. क्योंकि उसके मन में क्या था, मुस्लिम और बंगाली फार्मर जो किसान भाई बहन जो है ये लोग और लेबर श्रमिक जो है सब मिल के बंगाल का जितना जो लोग जो थे उधर का हमेशा क्या करता, ब्रिटिश के अगेंस्ट में हमेशा फाइट करता था। तो ब्रिटिश के लोग उस समय क्या क्या था, तो ये जो यूनिटी जो देखा था इसलिए ब्रिटिश के लोग भी थोड़ा नर्वस हो गया था। तो लॉर्ड कार्जन का प्लान क्या था, बंगाल का थोड़ा कम करना है और आसाम को थोड़ा बढ़ाना है। हार्बर्ट रिसलेस लेटर टू लॉर्ड कार्जन मेंशन क्या लिखा था, देखो लॉर्ड कार्जन को दिया था, द यूनाइटेड बंगाल इज अ बिग फोर्स, द पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय दिस बिग यूनिटी। क्योंकि बंगाल का जो मुस्लिम बंगाली और लेबर के जितना जो यूनिटी होकर जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो फाइट किया था, तो बंगाल का लोग और भी ज्यादा से ज्यादा सामने में आता हमेशा। तो इसलिए हार्बर्ट रिसली से क्या किया, लॉर्ड कार्जन को एक लेटर दिया था बंगाल का स्ट्रेंथ को टोटली डाउन करना है। ओके, और क्योंकि ब्रिटिश का रूल करना उस दर में फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अंदर का वही बात है, टू मीट दिस वेस्टेड इंटरेस्ट कम्युनल फीलिंग्स आर नीडेड टू बी स्प्रेड। तो उसने देखा था, हार्बर्ट ने लॉर्ड कार्जन को बोला था, मुस्लिम और बंगाली जब हिंदू बंगाली जब मिलके जब एक साथ जब कंबाइन होकर जब फाइट करेगा तो टोटली क्या होगा, ब्रिटिश रूल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों को कम्युनिटी फीलिंग कम्युनल फीलिंग करके दोनों को टूटाना है, अलग अलग करके डिवाइड करना है। क्योंकि जब अपना अपना कम्युनिटी लेके जब सोचे कम्युनल फीलिंग होने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये थोड़ा कम हो जाए पावर। सिंस बंगाल वॉज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ड्रो द पार्टीशन ऑफ बंगाल इट वॉज प्लान टू डिवाइड द प्रोविंस एंड टू मेक द हिंदू बंगालीज एंड इंटेलेक्चुअल्स ए माइनॉरिटी इन बोथ द स्टेट्स। तो ब्रिटिश का क्या था, ज्यादा से ज्यादा इंडियन के नेशनलिस्ट लीडर जो है मैक्सिमम कहाँ से हुआ था, कहाँ से निकला था, बंगाल से निकला था। क्योंकि उस समय का रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, सरला महेश्वरी जितना जो नेशनल लीडर जो है मैक्सिमम कहाँ से निकला, बंगाल से निकला था। तो ब्रिटिश का लोग देखा था जो बंगाली का लोग इतना जो टैलेंट जो है ये लोग का मैक्सिमम जो बहुत सारे जो लोग जो निकलते हैं उसको हम लोग को क्या करना है, थोड़ा माइनॉरिटी में लेने के लिए इसलिए हम लोग को क्या करना है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को दो को डिवाइड करना है। द रियल मोटिव ऑफ लॉर्ड कार्जन वॉज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय वीकनिंग द पॉलिटिकली कंशियस हिंदू बंगालीज एंड दस टू रेसिस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो लॉर्ड कार्जन का प्लानिंग क्या था, ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश रूल करने के लिए, ब्रिटिश से रूल करने के लिए और भी मजबूत होने के लिए लॉर्ड कार्जन ने देखा हिंदू बंगालीज तो बहुत चालू है, बहुत एडवांस से पॉलिटिकली बहुत एडवांस से और तो और भी ज्यादा हो जाएगा इसे करने से। तो इसलिए उसका मन में सोचा था पॉलिटिकली टोटली ये लोग को कॉन्शियस जो आया है इसको थोड़ा डाउन करने के लिए उसका मेन रीजन था बंगाल को डिवाइड करना है। थ्रू दिस प्लान ही ट्राइड टू इंक्रीज लॉयलिटी ऑफ द मुस्लिम्स हु आर पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस एंड दस प्लान टू शो द सीट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडियन सोसाइटी। तो लॉर्ड कार्जन ने देखा हिंदू और मुस्लिम में जब कंपेयर किया था उस समय देखा बंगाली लोग बहुत एडवांस है और मुस्लिम लोग पॉलिटिकली थोड़ा कॉन्शियस कम है, इसलिए दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को एनिमी करना, टोटली एनिमी होने से क्या करेगा, दोनों के आपस में दोनों फाइट करेगा। तो उस समय ब्रिटिश को क्या करेगा, ब्रिटिश को आराम से क्या करना है, रूल करने का चांस मिलेगा। On 2nd February 1905, Lord Curzon sent the proposal of partition of Bengal to Secretary of State for India in London for necessary approval. तो Lord Curzon से फिर क्या क्या एक तो proposal London में भेजा, ये लोग का head office में जहाँ India को चलाता है उधर office में जो भेजा secretary में क्या कर लिए, anyhow partition means divide करना है Bengal को। On 9 June, Secretary of State for India John Broderick approved the proposal and informed the government of India by telegram message. तो उस समय तो मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो उस समय क्या चलता था, टेलीग्राम से मैसेज सब कुछ
रिसीव करता, खबर भी देता। तो उधर का जो इंडिया को चलाने के लिए जो अलग करके जो एक ऑफिस जो है लंदन में, तो उधर से कौन था, सेक्रेटरी जॉन ब्रॉडरिक से लॉर्ड कार्जन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और जल्दी से क्या किया, टेलीग्राम में मैसेज दिया एनी हाउ बंगाल को डिवाइड करना। और 19 जुलाई 1905 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश दिस प्रपोजल। तो 1905 का 19 जुलाई में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फिर क्या किया, क्या पब्लिश किया, इस तरह जो एक प्रपोजल आया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको फिर पब्लिक को खबर देने के लिए उसको पब्लिश किया था। ऑन 1 सितंबर 1905 इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर। तो डिसीजन ले लिया पार्टीशन ऑफ बंगाल कब लेना है, कब से शुरू करना है, 16 अक्टूबर से अभी अप्लाई करेगा। ओके, द फोर पॉइंट्स प्रोग्राम ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड कार्जन ऑन 1 सितंबर वाज एज फॉलोस। तो उधर से जब इंफॉर्मेशन मिल गया अप्लाई करना है, तो लॉर्ड कार्जन ने फिर 1 सितंबर में उसको अनाउंस किया लोगों को जो एनी हाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल का रूल फॉलो करना है, क्या क्या रूल है ये सब नीचे में दिया है फॉलो करना है। देखो द फर्स्ट पॉइंट फेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या है नियम, तो देखो पॉइंट नंबर वन द नेम ऑफ द न्यू प्रोविंस विल बी ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। तो क्या करना है, देखो नया जो प्रोविंस मीन्स क्या है, अलग करके जो स्टेट जो बनाना है उसको क्या नाम रखेगा, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम बाय एनेक्सेशन ऑफ राजशाही ढाका एंड सत्यग्राम टू आसाम। ये चारों डिस्ट्रिक्ट उस समय ये राजशाही ढाका एंड सत्यग्राम प्रेजेंट कहाँ में है, बांग्लादेश कंट्री का हो गया, क्योंकि आसाम का नाइबरिंग कंट्री जो है बांग्लादेश, लेकिन उस समय ब्रिटिश जब रूल किया था उस समय आसाम जो एक स्टेट है, स्टेट नहीं था उस समय, अपना अपना एरिया को लेके राजा से रूल किया था, लेकिन अभी क्या है आसाम का नाइबरिंग कंट्रीज का है ये सब। तो उस समय राजशाही ढाका एंड सत्यग्राम से लेके आसाम के साथ जोड़ के फिर क्या बनाना है, एक टू स्टेट बनाना है मीन्स प्रोविंस, इसका नाम रखा है ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। और इसका कैपिटल कौन सा होगा, द कैपिटल ऑफ न्यू प्रोविंस विल बी ढाका। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट लेके जो ये तीनों एरिया जो लेके जो हुआ था उसका मेन कैपिटल कहाँ पे होगा, ढाका का होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम विल बी हैंडेड ओवर टू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम का कौन किसके पास अभी गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर से उसको देखभाल करेगा, उसका अंदर भी चला गया। फोर्थ पॉइंट है द कैपिटल ऑफ आसाम विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शिलोंग टू ढाका। तो पहले कहाँ में था, शिलोंग में था, अभी फिर कहाँ में चला गया, ढाका मेन कैपिटल होगा आसाम का कैपिटल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर विल बी सेपरेट हाई कोर्ट इन ढाका फॉर ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। देखो आजकल क्या होता, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता और स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होता, लेकिन उस समय क्या है सेपरेट हाई कोर्ट एक्ट होगा जो ये सब एरिया को देखभाल करने के लिए, वो भी कहाँ में होगा, ढाका में होगा मीन्स कैपिटल। उस समय आसाम राजशाही सत्यग्राम को जो कैपिटल जो है वो आसाम ढाका जो कैपिटल था वही ढाका में क्या होगा एक टू कोर्ट होगा उधर। नेक्स्ट पॉइंट, अंटिल ए सेपरेट हाई कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड द न्यू प्रोविंस विल बी अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो जब तक एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं बनाएगा मीन्स एस्टेब्लिश मीन्स नहीं बनाएगा तब तक ये नया प्रोविंस कहाँ में जाएगा, अंदर द कलकत्ता हाई कोर्ट का अंदर में जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, कलकत्ता विल बी द कैपिटल ऑफ न्यू बंगाल प्रोविंस व्हिच इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल बिहार ओडिशा एंड छोटानागपुर। तो उस समय देखो तो दूसरा प्रोविंस एक टू क्या था, ढाका चट्टग्राम राजशाही आसाम लेके एक टू बनाया था, और एक टू क्या है बंगाल वेस्ट बंगाल बिहार ओडिशा एंड छोटानागपुर ये सब मिला के क्या बनाया, न्यू बंगाल प्रोविंस एक टू फिर बनाया था। तो उसका मेन कैपिटल कहाँ में होगा, कलकत्ता। और लास्ट पॉइंट जो है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो
पार्टीशन ऑफ बंगाल कब से शुरू होगा, ये कब से, ये सब रूल मानना पड़ेगा आपको। 1905 का 16 अक्टूबर से शुरू किया था। बंगाल का ये जो पैराग्राफ जो है, 4 पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। तो इसमें एक जो क्वेश्चन जो आएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल का, इन हुईज वाइसरॉय टाइम डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कार्जन होगा। और ऑन हुईज डेट इन 1905 डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम कम इनटू फोर्स, ये कब होगा, ये जो लेसन जो दिया था, ये जो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में मिलेगा, ये क्या होगा, 16 अक्टूबर 1905 में होगा इसका आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना तक।